गाइस के सबसे लोग वेलकम बैक माय चैनल एपिक ऑफ थ्रोन्स गेमर्स। गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर, और गाइस हमेशा की तरह आज हम फिर न्यू प्रैंक करने वाले हैं, क्योंकि गाइस मुझे मज़ा आता है न्यू प्रैंक की वीडियोस बनाने में। तो फिलहाल हम दोनों यहाँ पे आ गए हैं फुल न्यू फॉर्म में, और यहाँ पे ये दोनों बंदे आते हैं वर्ल्ड से और ये कुछ ऐसा करने लग जाते हैं। और गाइस ये तो मेरा फैन निकलता है, तो आप उसके बाद देखेंगे फिर मुझे क्या कहता है ऊपर से। चलो यार आप तो मुझे पहचान गए, अब बताओ क्या खेलें, बीआर रैंक खेलें क्या खेलें। हम आपको चैलेंज करते हैं, आपने बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर को भी हराया, हमें भी हराओ। चलो ठीक है, चलो एक्सेप्टेड। और अब आप मेरा वेट करो, मैं उतनी देर में कस्टम बनाता हूँ जल्दी से। तो गाइस बड़े लेवल का सीन यहाँ पे हो चुका है, और अब अपने सब्सक्राइबर की खातिर मैं अब बनाना शुरू करता हूँ कस्टम। सबसे पहले हम यहाँ पे मैप सेलेक्ट कर लेते हैं जो हम हमेशा लगाते हैं, और यहाँ पे जो कस्टम वगैरह का नाम है वो हम सारा कर लेते हैं सेलेक्ट। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, मैंने इनको वर्ल्ड से बुलाया था और ये मेरा नाम देख के मुझे पहचान गए थे कि यानी ये एपिक ऑफ थ्रोन्स गेमर्स है और ये मतलब वीडियोज़ बनाता है इस तरह की प्रैंक वीडियो। तो इनको भी पता चल गया था मैं प्रैंक वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं चलो आ जाओ फिर कस्टम। तो फिर गाइस आगे अब यहाँ पे हमारा जो कस्टम है वो यहाँ पे लग चुका है, मैं एक और यहाँ पे रैंडम प्लेयर को बना लेता हूँ ताकि गाइस कस्टम में और मज़ा आए और हम 2v3 करें, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड तक बने रहना यार, और जल्दी से जिसने भी यार सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को ज़ोर से दबा दो, और जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक करके इस वीडियो को ज़रूर जाए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि इस तरह के प्रैंक वीडियोस में लाता रहूँ या नहीं। हम यहाँ पे ले लेते हैं जल्दी से एमरल्ड्स और एडमियम। सीन गाइस यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि मैं यहाँ पे जल्दी मैं एडम ले आता हूँ ना गाइस जल्दी जल्दी में, तो कोई नहीं गाइस हम पिछले वाली अपनी एडम की पावर दिखानी पड़ेगी। तो गाइस एडम की जो पावर होती है वो गाइस आपको नहीं मालूम है, अगर गाइस मालूम है तो कमेंट में बता देना गाइस। बहुत मज़ा आने वाला इस कस्टम है, और यहाँ पे गाइस ये जो मेरे एक सब्सक्राइबर है मेरे करीब आ जाता है और मैं इसको डैमेज देता हूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे ग्लू लगा देता हूँ, और यहाँ पे गाइस ये बहुत अच्छा कवर बना लेता है, और पीछे से गाइस जो मेरा भाई होता है उसको डाउन कर देता है। उसके बाद गाइस ये आखिरी बंदा होता है, सॉरी दो बंदे भी बचे होते हैं, तो यहाँ पे गाइस मैं इसको डैमेज देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको नॉक डाउन कर देता हूँ। गाइस इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ वो की थी मतलब कम की थी, तो मैं अपनी जल्दी से बढ़ा लेता हूँ। फिलहाल इसने मुझे डैमेज दिया और इसने मुझे नॉक कर दिया, कोई बात नहीं मेरा भाई आ चुका है मुझे रिवाइव कर दो। और गाइस इसने फुल पैक कर लिए मुझे, और मैं यहाँ पे जल्दी से अब रिवाइव हो जाता हूँ और मेडकिट मार लेते हैं। गाइस उसने ऊपर ग्रेनेड ही कर दिया, अब शायद गए हम गाइस। ओ गाइस मेरा भाई सही टाइम पे ऊपर से निकल गया और उसने उस बंदे को मार दिया, क्या बात है गाइस। ओके गाइस हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में आ गए हैं, और यहाँ पे हम ग्लू वगैरह ले लेते हैं सारा कुछ, और एक एम बना के रखते हैं ताकि अगर ये जो है समझ लें ये एक पिंजरा टाइप है, हमें इसके अंदर बंद किया हुआ है, तो ये जब फेंस हटेगा आगे से तो फिर मैं इनको मारूंगा। ओके गाइस यहाँ पे रेड एम हुआ था लेकिन बच गया वो, बहुत बहुत उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बच गया, तो कोई बात नहीं हम जल्दी से चलते हैं रश करने। ओके यहाँ पे गाइस ये जो है ये आ चुका है ब्लू बॉल वगैरह लगा के, और गाइस पीछे से कोई बंदा आता है वो मेरे बंदे को नॉक कर देता है। यहाँ पे सिर्फ मेरा भाई बचा होता है मेरी आखिरी मोहित, और यहाँ पे गाइस ये फुल पैक तो कर लेता है लेकिन इससे सही से पैक नहीं हुआ, और मेरे भाई को भी ये लोग मार देते हैं, तो इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा गाइस। और आप मुझे गाइस कमेंट में कंटेंट वगैरह भी बताते रहना कि आपको कौन सा कंटेंट पसंद है सबसे ज़्यादा। ओके यहाँ पे मैं एक फुल शॉट एम बना लेता हूँ ताकि अगर कोई बंदा पीक वगैरह करे तो उसको पड़े, लेकिन बदकिस्मती से नहीं पड़ती, तो कोई बात नहीं हम सीधा रश कर देते हैं गाइस। ए डब्ल्यू एम गाइस मुझे भी काफ़ी अच्छी चलानी आ गई है अब, जैसे गाइस आपको बता होगा कि मैं एमरेट सेवन का किंग हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ए डब्ल्यू एम का भी किंग बनने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बंदा आ रहा होता है ये मेरे से इसका शॉट मिस हो जाता है, और गाइस मैं पैक अपने आप को कर रहा था लेकिन ये सीधा ग्लू वॉल के अंदर ही घुस जाता है, तो मैं अपने भाई को कहता हूँ कि इसके ना नीचे से यहाँ से पैर नज़र आ रहे हैं तो आप इसको मारने की कोशिश करो। तो मेरा भाई यहाँ पे ओरियन पहन के इसको डैमेज तो दिया था लेकिन बड़ा लेट कर दिया था इसने नीचे से मारने में, तो कोई बात नहीं अभी फ़िलहाल फुल पैक हो चुका है।
ब्लू तो वैसे तोड़ा है अपनी, तो हम देखते हैं ये कब निकलता बाहर। गाइस ये निकला था बाहर और मेरे भाई ने इसको डैमेज भी दिया था, तो ये फिर दोबारा अंदर चलेगा ग्लू वॉल लगा के। तो गाइस ये रहा गाइस, लेकिन गाइस जो मेरे भाई ने AWM पकड़ी थी वो गाइस पता नहीं क्यों नहीं चली। और गाइस यहाँ पे जो मेरा भाई होता है स्नॉक वाले फिनिश को ख़त्म कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड की बुकिंग आई होती है जिसके साथ गाइस पिछली बार हमने खेला था सैफ, जो गाइस न्यू प्लेयर है उसकी बुकिंग आई थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिलहाल यहाँ पे जो बंदा है वो यहाँ पे फुल पैक हुआ है और यहाँ से इसकी थोड़ी टांगे नज़र आ रही थी लेकिन थोड़ा मिस हो गया और वो ग्लू वॉल से गाइस बाहर आ चुका है। मेरे ख्याल से पूरी हेल्थ है इसकी और यहाँ पे गाइस मेरे भाई ने भी इसको डैमेज दिया है और अब देखते हैं कि मेरा भाई यहाँ पे इसको मार पाता है या नहीं। फिलहाल यहाँ पे गाइस M87 गाइस ने डैमेज दिया और इसको मार भी दिया। गाइस पता नहीं एलिमिनेट हुआ है या मारा है। वैसे गाइस ग्लू मेरे ख्याल से किसी चीज़ के नीचे आया और वो एलिमिनेट हुआ है। तो अब जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड में। पिछले राउंड में गाइस ग्रेनेड से हुआ था जो कि मुझे मतलब गाइस मेरे भाई ने मुझे बताया था, तो मैं गाइस उससे पूछ रहा था मैच के दौरान, तो मुझे उसने बताया था कि ग्रेनेड से मैंने उसको एलिमिनेट किया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया गाइस। तो फिलहाल हम आ चुके हैं मैदान के अंदर और वो खुद ही अपने ग्रेनेड से एलिमिनेट हो गया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब ये गाइस ग्लू वॉल के पीछे से सेंटिनो लगाया, तो मैं देखता हूँ कि अगर ये स्पॉन वगैरह हो तो मैं इसको मारूँ। और गाइस यहाँ पे स्पॉन होता तो है लेकिन मैं इसको डैमेज देता हूँ और मेरा भाई इसको नॉक कर देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक वुकोंग पहन के ये फिर रहा होता है और मैं इसको AWM से मार देता हूँ गाइस, बहुत अच्छी मूवमेंट हो जाती है। यहाँ पे हम आ गए हैं अब नेक्स्ट राउंड के अंदर। यहाँ पे लूट वगैरह थोड़ी कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है हर कस्टम मैच के अंदर। और गाइस आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्राफ्ट एंड कस्टम अच्छा लगता है या फिर बरमूडा, यानी जो येलो वाला कस्टम आपको अच्छा लगता है या फिर क्राफ्ट एंड का, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि येलो वाला भी खेलें कस्टम, क्योंकि गाइस येलो वाला काफ़ी दिन हो गए हम नहीं खेला, तो इंशाल्लाह गाइस हम खेलेंगे येलो वाला कस्टम। फिलहाल हम यहाँ पे आगे चलते हैं। मेरा भाई ने गाइस एक बंदे को नॉक कर दिया और गाइस ये तो 2v2 हो गया क्योंकि गाइस एक बंदा शायद लेफ्ट करके चला गया, तो कोई बात नहीं हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये रहा गाइस और हम इसको जल्दी से गाइस डैमेज देते हैं और ये गाइस ख़त्म फिनिश बाय बाय टाटा हो गया है। और हम यहाँ पे थोड़ी प्रोनेस दिखा लेते हैं, उसके बाद गाइस नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे थोड़ी सी लूट कर लेते हैं हम जल्दी से। ओके यहाँ पे गाइस उसने सामने स्मोक कर दिया और गाइस अब सारा कुछ क्लियर है। यहाँ पे गाइस उसने ग्लू वॉल तो लगा ली और उसको भी उसने फुल पैक कर दिया। तो गाइस इसके नीचे से मुझे टांगे नज़र आ रही थी, तो गाइस मैं इसे थोड़ी पहले चल गई थी गोली, तो इस बार इसके पैरों में लग गई और फिर ये नॉक हो गया। गाइस मैं उसको फिनिश करने वाला था लेकिन उसने ग्लू वॉल लगा ली, कोई बात नहीं हम रश कर देते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यानी किस कस्टम में मज़ा आता है। गाइस अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों 2v6 करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह अगले कस्टम में हम दोनों 2v6 करेंगे। और गाइस 2v6 के अंदर मज़ा भी बहुत आने वाला है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं जल्द गाइस वीडियो वगैरह बना लूँ। हम यहाँ पे जल्दी से आर्मर वगैरह ले लेते हैं और मशरूम वगैरह ले लिया हमने। और गाइस सिर्फ यहाँ पे एक ही बंदा बचा और गाइस शायद मेरे ख्याल से इसका जो फ्रेंड है वो लीव करके चला गया है, तो कोई बात नहीं ये लास्ट ही बचा और हम यहाँ पे इसको AWM का हेडशॉट मार देते हैं और यहाँ पे गाइस हम दोनों की विक्ट्री हो जाती है। अब जल्दी से चलते हैं लॉबी में और उनका रिएक्शन देखते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमने सब्सक्राइबर के साथ खेला। अब चलते हैं जल्दी से उसको मैं इन्वाइट करता हूँ, सबसे पहले तो कस्टम रूम से मैं बाहर चलता हूँ। ओके अब यहाँ पे मैं इसको इनवाइट करता हूँ जल्दी से और गाइस यहाँ पे आ चुका है, अब इसका रिएक्शन लेते हैं। गाइस भाई आप तो लेजेंड से भी लेजेंड हो। क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया यार मैंने, बताओ ना यार जरा। वन टाइम मार रहे थे तो चलो यार आप लोगों ने भी बहुत अच्छा खेला और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ खेल के और आप लोगों के साथ मिल के बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो ऐसे ही यार प्यार सपोर्ट दिखाते रहना यार। तो फिर अभी मैं यार मैं चलता हूँ, तो चलो ठीक है आप लोग रैंक पुश वगैरह करो, तो फिर मुलाकात होगी, फिर चलता हूँ यार फिर मैं। ओके अल्लाह हाफिज़।
तो चलो गाइस आज यार आज की इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब ले गुड बाय, सी यू सून। और गाइस कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये जो है मतलब ये जो वीडियो है ये आप लोगों को कैसी लगी, और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इस तरह की प्रैंक वीडियोस चाहिए या नहीं। फ़िलहाल तो आज हमें अपना सब्सक्राइबर मिला था जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा उसके बात करने के तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू सून। और हाँ, चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, लाइक भी करके जाना।